नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणामनाथ चंद्रा और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एमएस ऑफिस ओपन कर लीजिए। एमएस ऑफिस में वर्ड ये देखिए, जैसे कि मैंने ओपन किया है और ये कुछ टेक्स्ट है मैंने लिखा है, जैसे कि नेम, सिटी, फोन नंबर। नेम लिख लिया प्राणनाथ कवर्धा और कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने लिख लिए। अभी इस नंबर में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नेम, सिटी, फोन है तो उसके बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो सीक्वेंस 3 वर्ड का है उसे आपको मेंटेन रखना पड़ेगा हर लाइन में, जैसे कि मैंने मेंटेन किया। आप इसे ध्यान से देखिए और इसे समझिए। ये लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो सारे टेक्स्ट हैं ये ऑटोमेटिक टेबल में क्या हो जाए, अरेंज हो जाए या टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इन सभी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में देखिए टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेबल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, दिख रहा है। अब इसे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपसे बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। आप इसे क्या कर लीजिए, आप ओके करते हैं तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट था वो टेबल फॉर्मेट में आराम से कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने टेक्स्ट को टेबल में अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम टेबल को स्टाइलिश कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट दे सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट कीजिए अपने टेबल को और ये देखिए डिजाइन ग्रुप, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मेट दिख रहा है बहुत सारे, और आप अपने टेबल को यहाँ से डिजाइन भी दे सकते हैं। जो डिजाइन पसंद आता है उसे सिलेक्ट कीजिए और आपका टेबल का जो डिजाइन है ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।